मध्य प्रदेश में शहरी और नगरीय क्षेत्रों में बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें नागदा भी शामिल है। नागदा में पहले वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 19 अप्रैल तक कर दिया गया, लेकिन कुछ लोगों तक इसकी सूचना नहीं पहुंची और फिर नगर में भारी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई। एक तरफ प्रशासन कोरोना की गाइडलाइन का पालन करवाने की बात जोर रहा है, तो वही दूसरी तरफ आम लोग आजीविका के संकट से जूझ रहे हैं। हम यहाँ नहीं बैठेंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारे आगे पीछे कौन है कमाने वाला? तीन कोता पोती है, दुकान के ऊपर घर चल रहा है, क्या कमा के खाएंगे? किराए का घर है, जवान दो लड़की है मेरे पास में, नौ परिवार है, इस दुकान के ऊपर ही कारोबार है मेरा, नहीं कमा के खाएंगे? आज ये 3,000 रुपए कौन देगा? लॉकडाउन लगे उसके लिए कोई मना नहीं है, बाकी चक्कर एक है कि 8 से 5 के लिए सबके लिए दुकानें खोल दी जाए, बस 11 से भले ही 5 तक दुकानें खोल दी जाए और कुछ नहीं जाते सबके लिए, ऐसा नहीं कि खाली एक ही के लिए, सबके लिए दुकान खोल दी जाए 11 से। और इस महामारी से हम भी सवाकी बुरी तरीके से, लेकिन ये सूचना बंद है, लेकिन सब्जी में और दूध में और राशन में छूट थी, लेकिन आप सूचना एक दिन पहले करते थे, हम सब सारे व्यापारी खरीद ही नहीं करते हम, लेकिन सर गरीब आदमी सर मर जाएंगे, कम से कम समय आज का दीजिए हमको एक दिन का। कोरोना कर्फ्यू का पालन घर में करवा रहे हैं, उसके लिए समय समय पर भ्रमण कर रहे हैं, तो जैसे देखा होगा आपने हम लोग अलग अलग समय पर निकले हैं, और जो कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहा है, समझाइश के बावजूद भी जानबूझ के दुकान खोला, उनकी चालानी कार्रवाई भी की गई है और उस पर फांसी की कार्रवाई भी की गई है, ताकि इस संक्रमण को, हमारा उद्देश्य यही है कि संक्रमण को खोलने से रोका जाए।